स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड फोर्थ हिंदी में चैप्टर नंबर 5 यानी कि द एलिफेंट। बच्चों, इसके आगे आपने चैप्टर पोयम जो थी पोयम नंबर 4, उसमें आप घड़ी के बारे में और समय के महत्व जो था उसके बारे में सीख चुके हैं। अब हम देखते हैं हाथी के बारे में यहाँ पे क्या लिखा गया है। सबसे पहले तो जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है। एलिफेंटिडे प्रजाति की एकमात्र जीवित जाति हाथी है। देखिए, ये जो हाथी है वो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए वो कौन सी प्रजाति का था, तो आपको ये नाम याद रखना है कि एलिफेंटिडे वो कौन सी प्रजाति का था। हाथी एलिफेंटिडे, तो उस प्रजाति में सिर्फ यह एक ही है जो हाथी अभी हम देख रहे हैं, वो एक ही जीवित जाति है। बाकी सब अभी जो जाति है वो नष्ट हो गई है, इसलिए इसका नाम अंग्रेजी में एलिफेंट रखा गया था। वो एलिफेंटिडे प्रजाति का था इसलिए उसका इंग्लिश में नाम एलिफेंट रखा गया है, जो कि आपको पता ही होगा कि इसको हाथी को एलिफेंट कहते हैं। यह पशु बहुत समझदार होता है। आइए अब इस हाथी के बारे में कुछ और जाने। हाथी के बारे में आप क्या जानते होंगे कि हाथी बड़ा पशु है और वो समझदार भी होता, ये सारी बातों तो आप जानते ही होंगे। अब उसके बारे में कुछ और यहाँ पे रोचक बातें जानने को यहाँ पे चैप्टर में दी है। हाथी जंगल में रहने वाला सबसे बड़ा समझदार और शांत पशु है। यहाँ पे लिखा गया है कि हाथी जंगल में रहता है, जंगल यानी कि फॉरेस्ट, वो जंगल में रहने वाला सबसे बड़ा प्राणी है। सबसे बड़ा वो होता है, उसकी जो साइज है वो बड़ी होती है और वो समझदार भी है यानी कि वो सेंसिबल एनिमल भी है, यानी कि वो सभी बातें हैं वो मनुष्य की बातें जल्दी से समझ लेता है, सीख लेता है। और शांत पशु है, वो जब भी उसको कोई छेड़े नहीं तब तक वो शांत रहता है, वो सबसे शांत पशु भी माना जाता है। हाथी हमेशा अपने साथियों के साथ झुंड में रहना पसंद करता है। हाथी है वो अपने साथियों के साथ, हाथी अपने दूसरे जो साथी है उसके साथ हमेशा झुंड में रहना यानी कि ग्रुप में रहना ही पसंद करता है। उसको अकेला रहना बिल्कुल नहीं पसंद है, उसको अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना बहुत पसंद होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि हाथी अपने साथियों के साथ झुंड में रहना पसंद करता है। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है। पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि इंद्रदेव की सवारी सफ़ेद हाथी था जिसका नाम ऐरावत था। आप अगर आपने जो पौराणिक कथा है यानी कि मैथोलॉजिकल जो स्टोरी सुनी होगी, प्राचीन जो कथा होती है उसमें आपको बताया गया है कि जो इंद्रदेव थे, भगवान इंद्र थे, उनकी सवारी सफ़ेद हाथी था, यानी कि वो किसके ऊपर बैठ के जाते थे, कहीं पे भी जाना हो तो वो सफ़ेद हाथी के ऊपर जाते थे और उसका नाम ऐरावत था। ऐरावत जो थे उसकी बहुत सारी सूंडें होती है इसलिए वो ऐरावत कहला जाता है और वो सफ़ेद कलर का होता है। सदियों से इसे पूरी दुनिया में पालतू पशु भी बनाया गया है। सदियों से यानी कि बहुत सालों पहले से ही ये जो हाथी है उसको पालतू पशु यानी कि पेट एनिमल भी बनाया जाता है, क्योंकि ये जो है वो बड़ा समझदार पशु है। जैसे हम कुत्ते को भी पालते हैं, घोड़े को भी पालते हैं, उसी तरह से हाथी है वो भी पहले से हम उसको पालतू पशु बनाते जाते हैं। हाथी को पालना आसान नहीं होता है, जो हाथी होता है उसको पालना आसान नहीं होता है, क्योंकि वैसे भी हम अगर देखें हाथी को आपने देखा ही होगा, हाथी है वो बड़ा पशु है इसलिए हम आसानी से उसको कहीं पे भी रख नहीं सकते हैं। इसलिए हाथी को यहाँ पे बताया गया है कि हाथी को पालना आसान नहीं होता है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा हाथी पाला करते थे। अब मेलों या त्योहारों पर हाथी को सजाया जाता है। देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे राजा है वो बैठे हुए हैं उसके ऊपर और महावत है वो उसको चला रहा है हाथी को। देखिए ये हाथी है वो पूरा गहनों से सजा हुआ है, इसलिए इसमें चैप्टर में बताया गया कि पहले के जो ज़माने के राजा महाराजा थे वो हाथी को पाल के रखते थे, लेकिन अभी हाथी को पालना आसान नहीं है। अभी तो हम कहाँ पे देख सकते हैं हाथी को, मेलों में या तो कोई भी त्योहारों पर हम देखें तो हाथी को सजा के महावत निकलते हैं। प्राचीन भारत में इसे सेना में भी शामिल किया जाता था तथा राजा महाराजों की शाही सवारी के लिए हाथी का प्रयोग भी किया जाता था। जब राजा महाराजा थे तो वो क्या करते थे, वो शाही सवारी निकालते थे। जैसे हमने आगे के पिक्चर में देखा, वो शाही सवारी निकाल के बाहर घूमने जाया करते थे और उसी तरह से हाथी का प्रयोग किया जाता था, या तो वो युद्ध में भी इसका उपयोग करते थे।
यहाँ पे लिखा है शाही सवारी। शाही का मतलब होता है रॉयल, और सवारी यानी कैरेज। रॉयल कैरेज को निकाल के बाहर घूमने के लिए जाते थे, तो हाथी को सजा के लेके जाते थे। इसको धार्मिक जुलूसों में भी इस्तेमाल किया जाता था। धार्मिक जुलूसों यानी कि जब भी कोई भी धर्म का वहाँ पे कोई ग्रुप यहाँ पे निकाला जाए, यानी कि जुलूस निकाला जाए, सारे लोग इकट्ठा हो जाए और वहाँ पे धार्मिक कोई सभा भरी जाए, तब भी हाथी का इस्तेमाल किया जाता है। पर्यटकों के लिए राष्ट्रीय बाग बगीचों उद्यानों में सवारी के लिए हाथी का प्रयोग भी किया जाता है, जिससे राज्य सरकार की आमदनी भी होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है पर्यटकों, यानी कि कोई भी जगह पे आप घूमने जाते हैं तो उस जगह के आप पर्यटक हैं, यानी कि वहाँ पे आप घूमने जाते हो तो कहीं जगह पे आपने देखा होगा कि हाथी पे और घोड़े पे बैठने के लिए, सवारी करने के लिए हाथी वहाँ पे रखे जाते हैं। तो ऐसा आपको कहाँ दिखाई देता है? राष्ट्रीय बाग बगीचों उद्यानों और सवारी के लिए उसी तरह से हमें हाथी का प्रयोग करने के लिए मिलता है, जिससे राज्य सरकार की आमदनी भी होती है। इसी तरह से जो राज्य सरकार होते हैं वो उसकी अर्निंग भी हो जाती है। आमदनी का मतलब क्या होता है? अर्निंग, यानी कि राज्य सरकार के जो पैसे के जो जिससे राज्य सरकार के टूरिस्ट फंड भी इकट्ठा हो जाती है। पर्यटक यानी कि टूरिस्ट और आमदनी यानी कि अर्निंग, तो इससे फंड जब मिलता है वो राज्य सरकार के खाते में जमा होता है। आगे देखते हैं, हाथी के दो बड़े बड़े कान होते हैं। आपने देखा ही होगा, यहाँ पे नीचे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, हाथी के जो कान होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं तथा उसकी सूंड लंबी होती है जो उसके बड़े काम आती है। यहाँ पे सूंड भी दिखाई देती है आपको, तो ये जो सूंड है वो उसके बड़े काम आती है। वो उसको अपने, जैसे हम मनुष्य हाथ का यूज़ करते हैं उसी तरह से वो सूंड का यूज़ करते हैं। सूंड से वह हाथ जैसा काम करता है। इसकी सहायता से वह भोजन तथा पानी मुंह तक ले जाता है। अपनी सूंड की मदद से वो क्या करता है? वो अपना भोजन और पानी अपने मुंह तक ले जाता है, यानी कि वो उससे खाना खा सकता है। हाथी है वो शाकाहारी होता है, वो वेजिटेरियन होता है। वो मीट वगैरह खाना, मांस वगैरह उसको खाना पसंद नहीं होता है। वो प्योर शाकाहारी होता है, प्योर वेजिटेरियन खाना भी वो खाता है। वह नारियल, केला, घास, पत्ते, गन्ना आदि बड़े चाव से खाता है। उसको उसमें ऐसे खाने में बड़ी रुचि होती है। वो उसको जल्दी खाना पसंद करता है। कौन कौन सी चीज़? नारियल यानी कि कोकोनट, केला यानी कि बनाना, घास यानी कि ग्रास और पत्ते यानी कि लीव्स, गन्ना यानी कि शुगर केन, ऐसी जो सारी चीज़ें हैं वो बड़े चाव से खाता है, यानी कि उसको वो खाना पसंद है। वह हमेशा अपनी सूंड और कान हिलाता रहता है। आपने कई बार देखा होगा, जब भी आपने हाथी को पसार हुआ देखा होगा तो वो क्या करता है? वो अपनी सूंड और अपने जो कान है वो हिलाता ही रहता है। सूंड और कान को वो हिलाता ही रहता है। हाथी के चार पैर होते हैं। वो उसके कितने पैर होते हैं? चार पैर। इसके पैर खंभे के समान लगते हैं। वो इतने बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं, जैसे हमें लगता है कि ये खंभा ही है। इसके दो बड़े दांत होते हैं। देखिए यहाँ पे आप दांत है वो देख सकते हैं। वो उसके कितने टस्क होते हैं? दो। आगे देखते हैं, इसके दांतों पर नक्काशी का काम किया जाता था। नक्काशी यानी कि कर्विंग। इसके जो दांत थे, दांतों पर डिज़ाइन बनाई जाती थी पहले के ज़माने में, तथा इससे बनी हुई वस्तुएं काफ़ी कीमती होती है। वो आपको पता ही होगा कि जो हाथी दांत है वो बड़े कीमती होते हैं, यानी कि जब भी हाथी का अवसान हो जाए तब उसके दांत है उससे कोई भी चीज़ें बनाई जाती है, वो बड़ी कीमती होती है। इसलिए पुराने ज़माने में हाथियों का शिकार किया जाता था। यहाँ पे लिखा है कि पुराने ज़माने में लोग है वो हाथी का शिकार कर लेते। क्यों? क्योंकि उसके जो दांत है वो बड़े कीमती होते थे, इसलिए वो शिकार कर लेते थे, यानी कि हाथी को मार डालते थे। अब भारत सरकार के निर्देशानुसार इनका शिकार करना मना है। अभी भारत सरकार ने ऐसे रूल्स बनाए हैं कि जो ऐसे जो प्राणी है, कोई भी प्राणी हो या पशु हो, उसका हम शिकार नहीं कर सकते, वो गुनाह माना जाता है। हाथी को पानी में रहना बहुत पसंद है। हाथी को क्या क्या पसंद है? उसको पानी में रहना बहुत पसंद है। वह अपनी सूंड से पानी भरकर अपने शरीर पर तथा बाहर फेंकता है। वो हाथी है, उसको पानी में रहना पसंद है। वो क्या करता है? वो अपनी सूंड से पानी भरता है, बाद में अपने खुद के शरीर पर भी वो फेंकता है और बाहर भी फेंकता है, तथा अपने दोस्तों के साथ वो मस्ती भी करता है। यह खेल वह बड़े चाव से खेलता है, क्योंकि ये पानी में रहना तो उसको पसंद है, कोई उसके ऊपर पानी डाले वो भी उसको पसंद है। इसलिए ये खेल है वो बड़े चाव से खेलता है, यानी कि उसको बहुत पसंद है, इसलिए वो बड़े मज़े से ये खेल खेलता है पानी का। हाथी बहुत समझदार और वफादार पशु है। आपको पता होगा कि जैसे
हाथी है वो समझदार तो है, साथ साथ वो वफादार भी है यानी कि वो लॉयल भी रहता है। वो स्वामी भक्त है यानी कि वो अपने जो मालिक है उसके प्रति वो लॉयल रहता है। हम सबको इस अनोखे पशु की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे लास्ट में हमें बताया गया है कि ऐसे जो पशु है जो अनोखा है, हमें कोई भी एंगल से हम देखें तो ऐसा पशु हमें मिलना नामुमकिन है, इसलिए हमें ऐसे पशु की रक्षा करनी चाहिए। उसको अगर कोई शिकार करता है तो उसको हमें रोकना चाहिए। यहाँ पे शब्दार्थ है जंगल, तो उसे कहते हैं वन हिंदी में, उसको और क्या कहते हैं वन यानि कि फॉरेस्ट। आगे है भोजन यानि कि खाना, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं फूड। नारियल यानि कि कोकोनट। आगे देखते हैं पत्ते यानि कि लीव्स। चाव से यानि कि बड़ी रुचि से मज़े से। विथ इंटरेस्ट हाथी के दो बड़े दांत यानि कि टस। हाथी के जो बड़े दांत होते हैं उसको क्या कहते हैं टस। शिकार यानि कि हंट। शिकार को कहते हैं हंट। और शाही सवारी यानि कि रॉयल कैरिएज। त्यौहार को हम क्या कह सकते हैं, उत्सव या तो पर्व भी हिंदी में कह सकते हैं, और इंग्लिश में उसे कहा जाता है फेस्टिवल। समझदार यानी कि सेंसिबल। अब यहाँ पे है पौराणिक यानी कि मेथोलॉजिकल। सेना यानी कि आर्मी। पर्यटकों यानी कि टूरिस्ट। आमदनी यानी कि अर्निंग। नक्काशी यानी कि कर्विंग। सूंड को क्या कहते हैं ट्रंक। मुंह को कहते हैं माउथ। घास को कहते हैं ग्रास। गन्ना यानी कि उसको हिंदी में और क्या कहा जाता है ईक, और इंग्लिश में उसको सुगर केन कहा जाता है। खंभा यानी कि पिलर। कीमती उसे कहते हैं मूल्यवान यानी कि वैल्यूएबल। फेंकना यानी कि टू थ्रो। हाथी है वो पानी बाहर फेंकता है। मेला यानी कि फेर। वफादार यानी कि स्वामी भक्त, लॉयल रहना। अनोखा यानी कि यूनिक। कथाएं यानी कि टेल्स यानी कि स्टोरी। धार्मिक जुलूसों यानी कि रिलीजियस प्रोसेशन। बाद में है उद्यान यानी कि बाग, और उसको इंग्लिश में कहते हैं गार्डन। प्रजाति यानी कि रेस। तो बच्चों ये हमने चैप्टर नंबर 5 है हाथी द एलिफेंट वो सीख लिया। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में हेडिंग देना है चैप्टर नंबर 5 का, और बाद में ये जो सारे शब्दार्थ है वो अपनी नोटबुक में वन टाइम लिखना है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।